हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स का ब्रेकअप हो जाता है और अब उनके पार्टनर्स किसी और के साथ है। उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करने का डिसाइड किया और उनके पार्टनर जिनके साथ थे उनके साथ वो अफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी रिलेशनशिप टूट जाए। अब क्या इसमें वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये हम आज की हमारी मूवी आई वॉन्ट यू बैक 2022 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एमा को नोवा के साथ देखते हैं। नोवा उसे उसका ख्याल रखने के लिए कह रहा था। एमा कहती थी कि तुम कितने परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और नोवा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि नो उसके साथ ये सब कर क्यों रहा है। पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम था पीटर और अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ एक बर्थडे पार्टी में वो आया हुआ था। एना की फ्रेंड उसे कहती है कि पीटर बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा है, यानी कि उसे कह रही थी कि शायद उसका फ्यूचर पीटर के साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एना को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि पीटर के साथ अब वो ब्रेकअप करने वाली थी। पीटर उसके पास आता है तो रोने लग जाती है और फाइनली उसने उसे बता ही दिया। पैरेलल में एमा नोवा से पूछती कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। नोवा कहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहती, एक ही जगह पर स्टक हो। उसे कोई और लड़की पसंद आ गई थी और इसी वजह से वो एमा को छोड़ रहा था। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। पीटर ने भी यही बात एना से पूछी कि वो उसे छोड़ क्यों रही थी। एना कहती कि तुम्हें हर एक चीज बहुत ही सेफ लगती है, वो कोई नया एडवेंचर नहीं करते, अलग अलग जगह पर नहीं जाते। पीटर सब चीजों में अपनी सेफ्टी ढूंढता है जो एना को उतना ज्यादा अच्छा लगता नहीं। एना अपने पैशन को परस्यू कर एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उसे लगता है कि पीटर के साथ अगर वो रहती है तो अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पाएगी। पीटर रिस्क लेने वालों में से कभी भी नहीं है। एमा और पीटर दोनों के ब्रेकअप के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिवेस्टेटेड हो गए थे। अपने रिलेशनशिप की हर एक याद उन्हें आती है और इस वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो अपने अपने ऑफिस में गए और उनके ऑफिसेस एक ही बिल्डिंग में थे। पीटर की कंपनी ओल्ड एज होम बनवाती थी और किस तरीके से इसकी कॉस्ट को कम किया जाए इसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। जिस तरीके से उसकी कंपनी ऑपरेट करती है पीटर को अच्छा नहीं लगता, इस वजह से इंस्टाग्राम देख रहा था। एना का अब दूसरा बॉयफ्रेंड है, ये देखकर वो डिस्टर्ब हो जाता है और मीटिंग से वो चला गया। एमा एक डेंटिस्ट के यहाँ पर काम करती थी। वहां पर एक लड़की ब्रेसेस लगवाने के लिए आई थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे टीथ पर कुछ भी हो जाए फिर भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। उन दोनों की लव स्टोरी देखकर वो बाहर जाकर रोने लग गए। वो दोनों स्टेयरकेस पर रो रहे थे और वहीं पर वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं। एक दूसरे की हालत देखकर समझ गए कि वो दोनों रो रहे थे। पीटर कहता है कि ये वीक मेरा अच्छा नहीं गया, अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है। एमा कहती कि कोइंसिडेंस है, मेरा भी अभी अभी ब्रेकअप हुआ। पीटर कहता है क्या इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दोनों अपने अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करते हैं। इस तरीके से स्ट्रेंजर होकर बात करना जरा ऑकवर्ड हो गया था। वो दोनों निकलने लग गए पर पीटर कहता है कि हम दोनों को कुछ करना चाहिए, तो दोनों कैरियोके करने के लिए चले गए। पीटर कहता है कि कुछ ही दिनों में हमारे पार्टनर्स को लगेगा कितना ज्यादा हमें मिस कर रहे हैं और हमारे पास वो वापस आ जाएंगे। एमा से रहा नहीं जाता और नोवा को कॉल करने वाली थी पर पीटर उसे रोक लेता है। पीटर कहता है कि हम एक डील कर सकते हैं कि जब भी हमें लगे कि हमारे एक्सेस से हमें बात करनी है तो हम एक दूसरे को कॉल कर लेंगे, इससे हमारा दिल भी हल्का हो जाएगा। ये बात फिर उन्होंने डिसाइड कर ली। फिर से एमा को नोवा की याद आई थी तो इसी वजह से पीटर के साथ वो मूवी देखने के लिए आ गए। उसे मूवी देखते देखते भी बहुत ही सैड लगने लग जाता है। वो पीटर से कहती है मुझे लगा था कि नोवा मेरा एरोप्लेन सेफ्टी पर्सन है। पीटर कहता है कि ये क्या होता है। एमा कहती है कि बचपन में मैं हमेशा सोचा करती थी कि अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पार्टनर को पहले मैं मास्क पहनाऊंगी और फिर खुद का ख्याल रखूंगी। पीटर उसे कहता है कि तो बहुत ही इलॉजिकल है, तुम्हें पहले खुद की सेफ्टी देखनी चाहिए और उसके बाद तुम किसी और को हेल्प कर सकते हो। एमा कहती कि पहले उसे मास्क देना एक बहुत ही रोमांटिक जेस्चर है। नेक्स्ट डे उन्हें अपने एक्सेस के प्रोफाइल्स देखने थे तो एक साथ वो देखते हैं। दोनों के एक्सेस अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश लग रहे थे, इसी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने गम में रात में बार में आके पीटर को लग रहा था कि जैसे हर कोई उसके आगे जा रहा है और वो अपनी लाइफ में स्टक हो चुका है। एमा कहती कि हमारे एक्स की लाइफ में कुछ न्यू लोग आ गए और इसी वजह से उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग उनका ब्रेकअप करवा दे तो लोग फिर से हमारे पास वापस आ जाएंगे। इस पर उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया और एमा को आइडिया आता है कि एनी का अब जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम है लोगन, वो जाकर उसे रिझा सकती है। जब लोगन के अफेयर के बारे में एना को पता चलेगा तो पीटर के पास वापस आ जाएगी। पीटर कहता है कि मैं भी नोवा की गर्लफ्रेंड जिनी के साथ अफेयर कर सकता हूँ। एमा कहती कि नोवा तुमसे बहुत हैंडसम है, जिनी उसे छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं लगेगी। पीटर को इससे बुरा लग रहा था पर एमा उसे कहती है कि तुम भी उतने ज्यादा बुरे नहीं हो।
तुम्हारे साथ अगर कोई आदमी एक दो साल रिलेशनशिप में रहे, तुमसे भी वो प्यार कर सकता है। वो फिर उसे आइडिया देती है कि वो नोवा का फ्रेंड बन सकता है और जिंदगी किला उसे भड़का सकता है। इस मेथड से उन दोनों के एक्सेस का ब्रेकअप हो जाएगा और उनके पास वापस आ जाएंगे। अगले दिन एमा लोगन के पास पहुंच के, वो एक हिस्ट्री टीचर था और एक प्ले को डायरेक्ट कर रहा था। वो कहती थी कि मैं इस प्ले के लिए वॉलंटियर करना चाहती हूँ, मैं भी स्कूल में बहुत सारे प्लेस किया करती थी। लोगन को उसका एंथुसियाज्म देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसने कहा कि मैं भी एक एक्टर हूँ और आजकल यहाँ पर प्ले डायरेक्ट कर रहा हूँ। पीटर भी नोवा की जिम में जाता है, उसे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करता है। उसने नोवा के ऑफिस में जिनी की फोटो देखी और उसे पूछता है कि ये कौन है। नोवा कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। पीटर पूछता है कि क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। नोवा कहता है कि उसकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। पीटर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी। नोवा कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छी थी, पर वो सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। प्ले के लिए हेल्प करते करते एमा का यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेंड बना, इसका नाम था मार्क। थोड़ी देर में यहाँ पर एनी भी आके लोगन का अटेंशन लेने के लिए एमा उसे हेल्प मांगती है। लोगन ने एमा को एनी से इंट्रोड्यूस करवाया। जिस तरीके से एमा लोगन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ये एनी को अच्छा नहीं लगता। शाम में एमा और पीटर फिर से मिलते हैं। एमा कहती कि एनी और लोगन को देखकर ऐसा तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर किसी भी मोमेंट में एक दूसरे के साथ वो बड़ा झगड़ा भी कर सकते हैं। उनका ब्रेकअप करवाना है बहुत ही इजी होगा। पीटर कहता है कि नोवा भी तुम्हारे बारे में अच्छी चीजें बोल रहा था और उसके रूममेट की इंटीमेट होने की आवाज उन्हें आने लगते हैं। एमा कहती है कि मुझे यहाँ से बहुत पहले शिफ्ट कर देना चाहिए था। वो सोचती रही कि वो आगे का एजुकेशन लेगी, पर वो एक कर नहीं पाए, इसी वजह से हमेशा यहाँ पर ही स्ट्रक रहेगी। अब दोनों मिलकर उनके एक्सेस को ब्रेक करने का बहुत ट्राई करते हैं। एमा भी लोगन के साथ फ्लर्ट करती है और पीटर नोवा का अच्छा फ्रेंड बनने का ट्राई करता है। लोगन को जो बुक्स अच्छी लगती थी, यही एमा ने बाय की ताकि उसे लगे कि वो उसी की तरह है। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी लोगन ने एक्सेप्ट कर ली थी। पीटर और नोवा भी एक दूसरे के फ्रेंड बन गए और मॉर्निंग जॉग के लिए एक साथ जाते थे। पीटर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पाए शॉप में मुझे लेकर चलो, तो नोवा भी इसके लिए मान जाता है। अपने प्ले से एमा बाहर निकली तो वहां पर मार्क अपने फादर का वेट कर रहा था। वो कहता है कि शायद मेरे फादर मुझे पिकअप करना भूल गए। एमा कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। कार में मार्क एमा की सिगरेट देखता है और ये पीने लग गया। एमा ने कार रोक ली। उसे कहती है कि तुम हमेशा बैड बिहेव करने का ट्राई करते हो, मैं भी इस सबसे गुजर चुकी हूँ और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में मुझसे बात करो। माँ कहता है कि मेरे फादर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसी वजह से उसे जरा बुरा लग रहा था। एमा उसे समझाती है कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम बड़े लोग हमेशा प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, पर ऐसा कभी भी होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें भी पता नहीं होता कि लाइफ में हमारे चल क्या रहा है। तुम्हें अपने फादर से खुलकर बात करनी चाहिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। नोवा पीटर को उसकी गर्लफ्रेंड की पाए शॉप में लेकर आया। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी थी, वो लोगों के लिए हेल्दी पाए बनाती थी जो बहुत ही टेस्टी था। बातों बातों में क्लब की बात निकलती है। नोवा ने कहा कि वहाँ पर मैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जाया करता था और वहाँ पर हम बहुत मजे करते थे। पीटर कहता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। एक दिन एमा और पीटर जब एक साथ थे तो एक ओल्ड लेडी गिरने वाली थी, पर पीटर ने उन्हें बचा लिया। एमा देख सकती थी कि पीटर को ओल्ड लोग बहुत ही अच्छे लगते थे। पीटर कहता है कि मुझे ओल्ड लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल ओल्ड एज होम क्रिएट करना था। उसने इसके लिए डिग्री ली और उसे जो जॉब मिल गया उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में अपने प्लान वो कंप्लीट कर नहीं पाया। अब उसी की कंपनी ओल्ड लोगों को बहुत ही घटिया तरीके से ट्रीट करती है। एमा कहती कि मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अभी भी उसे कुछ लेट नहीं हुआ था। पीटर को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। रात में एमा जब प्ले के लिए आई तो लोगों से कहता है कि एक लड़की यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसकी जगह पर तुम परफॉर्म कर सकती हो। एमा को तो इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, पर फिर भी वो ट्राई करती है। पीटर और नोवा भी मिलकर उस क्लब में जाते हैं। प्ले के यहाँ पर मार्क एमा से कहता है कि मैंने अपने फादर से बात की और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पार्टी में गलती से नोवा से एमा को कॉल लग जाता है। वैसा प्रिटेंड करती है कि वो भी उसके बिना बहुत एंजॉय कर रही है। इस कॉल की वजह से वो बहुत ही सैड हो गई थी और इस प्ले में भी उसका पार्ट बहुत ही सैड था। उसने इसमें सिंगिंग की और उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। परफॉर्मेंस देखकर लोगन उसे इम्प्रेस्ड हो गया था। एमा उसे कहती है कि हम सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर बाहर जा सकते हैं। लोगन कहता है कि हम एनी को भी साथ लेकर जाएंगे। क्लब में पीटर और नोवा कुछ लड़कियों से मिले थे। लड़कियां चाहती थी कि उनके साथ घर पर चले। अब सब कुछ पीटर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। नोवा को भी फोर्स करता है कि वो भी उन लड़कियों के साथ घर चले। एमा एनी और लोगन सब ड्रिंक करने के लिए आए। एमा कहती कि मैं तुम दोनों से बहुत ही अट्रैक्टेड हूँ, तुम दोनों को बेड में मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। लोगन कहता है कि पहले मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, और एनी भी बता रही थी कि उसे भी कुछ एक्सपीरियंस करना है, इसी वजह से हम ये सब कर सकते हैं। कि एनी इस बात से कंफर्टेबल नहीं थी, इसी वजह से इस बात को टालना चाहती थी। एमा कहती कि हम नेक्स्ट वीक ट्राई कर सकते हैं, और इस बात के लिए सब लोग मान जाते हैं। जो लड़कियां पीटर और नोवा के साथ थी उन्होंने और कुछ लड़कों को अपने घर पर बुला लिया
उन लोगों में से एक लड़के को उस लड़की ने अभी अभी डम किया था। इसके बाद सब लोग मिलकर हाई हो जाते हैं, ऊपर से पूल में जंप करने लगे और बहुत सारी क्रेजी चीजें वो करने लग जाते हैं। पीटर फाइनली अपने फियर्स को छोड़ देता है, उसने पूल में जंप मार दिए। ये सब कर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर बाद में उसे पता चला कि लड़कियां हाई स्कूल में है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस होगा। इसी वजह से वो पीटर को लेकर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते एक लड़की के फादर भी वहां पर आ गए थे। इंसिडेंट नोवा को बहुत ही क्रेजी लगता है। इस तरीके के एडवेंचर और पार्टीज उसने लाइफ में बहुत बार की है और अब वो फिर से ये सब रिपीट नहीं करना चाहता। फाइनली अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए अब वो रेडी हो चुका था। उसे शादी करनी थी और सेटल होना था, और रियलाइज करता है कि जीनी उसके लिए परफेक्ट है और अब वो उसे प्रपोज करने वाला था। आज रात उसे बाहर ले आने के लिए वो पीटर को थैंक यू कहता है, जो पीटर जाता था। इससे अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब पीटर और एमा मिले तो पीटर उसके लिए एक बुक लेकर आया था। ये बुक करियर के बारे में थी। एमा से कहता है कि तुम अब भी अपने करियर पर फोकस कर सकती हो। जिस तरीके से एमा पीटर पर बिलीव करती है, वैसे पीटर भी एमा पर बहुत बिलीव करता था। ये देखकर एमा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद स्कूल का प्ले बहुत सक्सेसफुल हुआ। मार्क को लगा कि अब वो एमा से मिल नहीं पाया तो उसे गुड बाय कह रहा था। एमा कहती कि तुम्हारा नंबर मुझे दो, हम अब भी कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। मार्क को सुनकर अच्छा लगा और कहता है कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ब्यूटीफुल थी। प्रीवियस वीक में एमा, एनी और लोगन ने डिसाइड किया था कि एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट होंगे। इसी वजह से वो घर पर आते हैं। पीटर प्लान बनाता है कि नोवा के बेडरूम में जाकर वो प्रोटेक्शन छुपा कर आएगा। जीनी ये सब देखेगी और उसे लगेगा कि नोवा उस पर चीट कर रहा है और फिर उसके साथ वो ब्रेकअप कर लेगी। यही प्लान करने के लिए उसके घर में घुस गया। घर आकर एमा, एनी और लोगन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लग गए, पर ये सब एनी को अच्छा नहीं लगता। पीटर कुछ भी कर पाता इससे पहले नोवा और जीनी घर पर वापस आ जाते हैं। पीटर वहीं पर छुप जाता है। नोवा आज सब कुछ प्लान कर रहा था और जीनी को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे बिना मैं मेरी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। जीनी को यह सब बहुत ही फास्ट लग रहा था, पर फिर भी वो मान जाती है। वो दोनों फिर इंटीमेट होने लग गए और पीटर वहीं पर ही फंस गया था। पैरेलल में जब एमी और लोगन एक दूसरे के पास आने लग गए तो एनी को ये बहुत ही अजीब लगता है। वो लोगन पर गुस्सा होने लग गई तो लोगन कहता है कि तुम ही तो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, कोई रिस्क नहीं लेता था। एनी को रियलाइज होता है कि पीटर उसके लिए सही था। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट वो नहीं करना चाहती थी। यही बात कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में मौके का फायदा उठाकर पीटर वहां से चला जाता है। रात में एमा और पीटर दोनों फिर से मिलते हैं। पीटर ने उसे कहा कि नोवा ने जीनी को प्रपोज कर दिया, उसने हाँ कह दिया है। वो बहुत ही सॉरी था। एमा से कहता है कि तुम्हें उससे अच्छा कोई मिल जाएगा। एमा भी ये बात समझ सकती थी। अचानक से पीटर को एनी का कॉल आ गया, उसे मिलने के लिए बुला रही थी। उसे कहती है कि मुझे मेरी गलती पता चल गई है और उसने उसे सॉरी कहा। वो दोनों फिर से एक साथ थे। अगले दिन वो एमा से मिलने के लिए आता है। एमा और बेटन वीकेंड में एक शो देखने के लिए जाने वाले थे, तो इसके बारे में वो पीटर से पूछती है। पीटर कहता है कि अब मैं एनी के साथ हूँ और उसके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। एमा भी ये बात समझ सकती थी। जब वो एनी के साथ था तो उसे कहता है कि मुझे मेरा रिटायरमेंट होम स्टार्ट करना है। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। अगर तुम लाइफ में सेफ रहना चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यही ठीक रहेगा। एमा को पीटर के लिए फीलिंग्स आ गई थी, इस वजह से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। अब वो डिसाइड करती है कि लाइफ में उसे आगे बढ़ना है। पीटर ने उसे जो बुक दी थी वो पढ़ने लग गए। उसने रहने के लिए एक नई जगह देख ली। उसके रूममेट जो कपल थे उन्हें वो बात बताने की कोशिश करती है, पर उन्हें उसके जाने से अच्छा ही लग रहा था। एमा को नोवा और जीनी की वेडिंग का इनविटेशन कार्ड मिलता है। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। एक जगह जाकर वो अकेले ड्रिंक करने लग गए। वहां पर लोगन भी आया हुआ था तो उसे वो ज्वाइन करता है। वो कहता है कि मुझे लाइफ में लगता है कि मैं बहुत ही पीछे रह चुका हूँ। एमा कहती कि मुझे वो हमेशा लगता रहता है। उसे नोवा की वेडिंग के बारे में बताती है तो लोगन ने उसे कहा कि तुम्हें उस वेडिंग में जाना चाहिए। अगर तुम उसके सामने जाकर ये सब चीजें फेस करोगे तो तुम खुद हील हो पाओगी। वेडिंग में आकर देखती है तो पीटर भी एनी के साथ वहां पर आया हुआ था। वो सबको झूठ कहते हैं कि एक दूसरे को उतने ज्यादा अच्छे जानते नहीं, सिर्फ एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। थोड़े टाइम बाद वो एक दूसरे से बात करने लग गए। अब एक दूसरे की लाइफ में वो जान लेते हैं। एमा फिर से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर रही थी। ये पीटर को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बातों बातों में एनी ने बताया कि पीटर खुद का ओल्ड एज होम स्टार्ट कर रहा है। वो सबके सामने ऐसा दिखा रही थी कि वो पीटर पर हमेशा से बिलीव करती आ रही है। पीटर को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि कभी भी उस पर वो बिलीव नहीं करती थी। वो रिस्क नहीं लेता इसी वजह से वो वापस आई थी, पर अब पीटर कुछ अलग करना चाहता है। रात में वो अकेला खड़ा था। एना उसके पास आई तो पीटर कहता है कि तुमने मुझ पर कभी बिलीव नहीं किया था, अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो डायरेक्टली एमा के पास आ गया। उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। एमा कहती है कि इन सब चीजों के साथ अब मैं डील नहीं कर सकती, पर पीटर उसका पीछा नहीं छोड़ता। उन दोनों के झगड़े की वजह से सब लोगों को पता चल जाता है कि दोनों मिलकर क्या प्लान कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में पीटर एना के साथ था।
उसे कहता है कि हमने जितने भी साल एक दूसरे के साथ बिताए वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। अपने लाइफ में बिताए हुआ टाइम वो रिग्रेट नहीं करता। अब लाइफ से सिर्फ वो एक दूसरे को नहीं चाहते थे। एना भी कहती कि तुम्हारे साथ मेरा टाइम बहुत ही अच्छा था। लॉबी में एमा और नोवा मिलते हैं। एमा ने उसे हर एक चीज के लिए सॉरी कहा। नोवा उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे। मैं हमेशा फिटनेस करता रहता था और तुम बहुत ही फनी थी। एक दूसरे के गोल्स बहुत ही अलग थे। ये बात अब एमा को फाइनली समझ में आ गई थी। इसके बाद वेडिंग से घर जाने के लिए एमा और पीटर ये दोनों प्लेन में बैठे, पर उन दोनों की सीट आसपास ही थे। फ्लाइट में अचानक से प्रॉब्लम आ जाता है और सब लोगों के सेफ्टी मास्क के नीचे गिर गए। पीटर खुद का मास्क लगाने से पहले एमा का मास्क लगा देता है। फ्लाइट नॉर्मल हुई तो एमा ने रियलाइज किया कि पीटर सचमुच में उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि पहले पीटर कभी भी ऐसा करता नहीं। एमा के लिए प्यार की सबसे बड़ी टेस्ट थी और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी एक ब्यूटीफुल से मूवमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।